सब्सक्राइब करें पैराडाइज कंप्यूटर और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल पैराडाइज कंप्यूटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे हम एक्सेल में, जैसे मैंने ये एक्सेल खोल लिया है और एक्सेल में हम बताएंगे जैसे एक ही लाइन, एक ही सेल, जैसे हमारा ये सेल है, इस सेल में हम दो चार लाइन कैसे टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर लिए मैन, टाइप करने वाला हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये नेक्स्ट सेल में आ जाता है। और हमें टाइप करना है एक ही सेल में, हमको जो है दो तीन वर्ड्स टाइप करना है, वो भी लाइन बाय लाइन टाइप करना है, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इस सेल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सेल को बड़ा करने के बाद हम टाइप करके बताते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मैन टाइप करते हैं और इसके बाद हमको नेक्स्ट लाइन में टाइप करना है, तो इसके लिए क्या करना है, हमको अपने कीबोर्ड से Alt प्लस इंटर प्रेस करना होगा। जैसे इंटर प्रेस करते थे हमारा कर्सर जो है नीचे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे टाइप करते हैं COW, फिर इंटर हम प्रेस करते तो यहाँ देख रहे हैं कि एक सेल में जो है दो लाइन टाइप हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल के किसी भी वन सेल में जो है दो या दो से मल्टीपल लाइन टाइप कर सकते हैं। जैसे हम इस बार तीन लाइन हम टाइप करके दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिस लिखा, इसके बाद Alt प्लस इंटर प्रेस करते हैं, फिर डेट लिखते हैं, इस बार फिर से Alt प्लस इंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे हम इस लिखते हैं और इंटर प्रेस करके देखते हैं तो यहाँ हमारा जो है एक्सेल में जो है तीन लाइन टाइप हो चुका है। तो इस तरह से हम एक्सेल में जो है एक ही सेल में एक से ज़्यादा लाइन टाइप कर सकते हैं इस शॉर्टकट के द्वारा। और ये शॉर्टकट की याद रखे रहना है कि Alt प्लस इंटर के साथ हमें प्रेस करना होगा।